इसलिए मैं सेफ हम लोग का चल रहा था। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 24, 36 और कितना 40 का एलसीएम ज्ञात कीजिए, लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात कीजिए। और आरआरबी मुंबई में 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है हमारा। तो देखिए इसको हम लोग दो मेथड से ज्ञात कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड तो हम लोग क्या 24, 36, 40 का एलसीएम लेंगे, 2, 12, 18, 20 एगेन 2 से जाएगा 6, 9, 10 एगेन 2 से जाएगा 3, 9 और 5 फिर 3 से जाएगा 1, 3 और 5 हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो गया हमारा 2, 4, 6, 2, 4, 8, 24, 72 × 5, 5 × 10, 7 × 5, 36, 36 360 एलसीएम का क्या आ गया 360। ऑप्शन हमारा कौन सा राइट ऑप्शन हो गया, थर्ड। देखिए अगर हम लोग समय बचाने का बात किया जाए तो हम लोग का ऐसा क्वेश्चन क्या करेंगे देखेंगे। देखिए एलसीएम का अगर बात किया जाए तो जिस नंबर का एलसीएम निकालेंगे उन सब नंबर से वो पूरी तरह से डिविजिबल होगा। मतलब क्या समझ सकते हैं कि ये सब का जो एलसीएम आएगा ये सब संख्या से पूरी तरह से भाग लग जाएगा, ठीक है। और अगर एचसीएफ का बात करें तो एचसीएफ इन सभी संख्या को भागा पूरी तरह से दे सकता है, जस्ट अपोजिट, ठीक है। ये हो गया सेकेंड ऑप्शन। हम लोग क्या कर सकते हैं कि 24 का फैक्टर्स लिखेंगे, 36 का भी फैक्टर लिखेंगे और 40 का फैक्टर लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा 2 × 5 ये हो जाएगा 2, 4, 8, 24 2 × 3 × 3, 4, 12, 36 ठीक है। फिर 2, 2, 2, 8, 25, 40 ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं इसको 2 × 3 × 3 2 × 2 × 3 2 होगा, ठीक है, 2, 2, 2 × 3 × 5 ठीक है। ये हो गया हमारा। अब इन सब में अगर एलसीएम का बात करें तो एलसीएम में क्या होगा दोस्तों, पहले तो हम क्या करेंगे जितना भी नंबर है सबको लिख देंगे। तो संख्या कौन कौन सा है, 2 है, 3 है और 5 है। जितना भी संख्या रहेगा हमारा इन तीनों संख्याओं में फैक्टर्स वो सभी को लिखेंगे और उन सभी में सबसे ज़्यादा पावर वाला पुट करेंगे। तो 2 का पावर सबसे ज़्यादा क्या है, 2 का पावर 3 सबसे ज़्यादा है, इधर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 3 का पावर सबसे अधिक क्या है, तो 3 का पावर 2 है। 5 का पावर सबसे अधिक, 5 का पावर 1 ही है ये वाला। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, 9 और 5 वही तो आ रहा है 360। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, सी ऑप्शन है 360, ये राइट हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग तीसरा मेथड हमारा आता है, तीसरा मेथड क्या आता है कि हम लोग डायरेक्ट ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं डायरेक्ट ऑप्शन से। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हमारा, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 120, सेकेंड ऑप्शन क्या है 240, थर्ड ऑप्शन 360 और लास्ट ऑप्शन क्या हमारा 480। देखिए अब ऑप्शन से हम कैसे ज्ञात करेंगे, क्या बोला गया कि एलसीएम किसको बोलेंगे, एलसीएम उसका क्या होता है, इन जितना भी संख्या दिया रहेगा उन संख्या ये मल्टीपल होगा सभी का, मतलब सभी से पूरी तरह से कोई एक इसमें चारों में से एक ऐसा संख्या होगा जो इन तीनों से कट रहा होगा पूरी तरह से, क्या हो रहा होगा इन तीनों से कट रहा होगा पूरी तरह से, ठीक है। और छोटा भी होगा, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम क्या होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, क्या होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, इन सबों का मल्टीपल में सबसे छोटा और कॉमन होना चाहिए, ठीक है। देखिए तो 24 से कौन कौन सा कटेगा, ये भी आपका कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी और ये भी कट जा रहा है। चलिए अब 36 का बात करें तो 36 से कौन कटेगा, ये कटेगा 72 नहीं कटेगा, क्या ये कटेगा
36 से 144 288 नहीं कटेगा ये क्या ये कटेगा हाँ कटेगा क्या ये कटेगा 36 से नहीं कटेगा तो आपका एक ही कट गया ये तीनों ये भी गलत है राइट आंसर क्या हो गया 360 ऑप्शन नंबर सेकंड क्वेश्चन क्या है तो किसी प्रकार का है 66 75 और 130 का LCM याद करना है क्या करना है LCM फाइंड करना है देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा ऑप्शन लिख लेते हैं सेकंड क्या है 214 50 थर्ड ऑप्शन क्या है 224 50 और लास्ट ऑप्शन हमारा क्या है 234 50 यस तो ध्यान देंगे अब इन सब को एलसीएम के बाद किया जाए तो इन तीनों नंबर से ये सब कॉम कट जाएगा पूरी तरह से मतलब हमें पूरी रिमाइंडर नहीं आनी चाहिए शेषफल नहीं आना चाहिए ठीक है तो शेषफल नहीं आना चाहिए तो क्या हम ये पॉसिबल है इसका कि हम इन तीनों संख्या से चारों को भागा देंगे देखा जा सकता है पॉसिबल है बट बहुत टाइट नहीं हो जाएगा तो हम तीन चार क्वेश्चन बना सकते हैं तो क्या करेंगे वही फैक्टर वाला बात आ गया फैक्टर निकालेंगे तो दो कितना गया इसका जब फैक्टर निकालेंगे एक चीज और सब सीख लीजिए फैक्टर कैसे निकालते हैं बहुत कोई का प्रॉब्लम भी आ रहा होगा फैक्टर कैसे निकाल देंगे दे रहे कोई समझ नहीं आ रहा तो क्या करेंगे ऐसे निकालेंगे सबसे पहले 2 से 33 फिर 3 से 11 तो ये इसका फैक्टर हो गया कितना हो गया 2 × 3 × 11 ठीक है अब 75 का फैक्टर तो सबसे पहले 2 से कोई जाएगा नहीं 3 से जाएगा कितना बार 25 बार जाएगा तो फिर 5 ठीक है फिर हमारा 130 हो गया तो 2 से जाएगा आया कितना 65 फिर 5 और 13 तो ध्यान देंगे क्या बोला गया था पहले सभी संख्या लिख देंगे तो इसका एलसीएम क्या हो गया 2, 3, 5, 11 और 13 सभी संख्या लिख दी है अभी इनमें से पावर देखेंगे तो 2 का पावर सबसे ज्यादा क्या है 1 ही है 2 का पावर ठीक है 3 का पावर सबसे ज्यादा यहाँ भी एक एक ही रहेगा 5 का पावर सबसे ज्यादा 5 का पावर यहाँ पे देखिए 3 × 5 का पावर 2 ठीक है यहाँ 5 का पावर 2 आ रहा है 5 का पावर 2 होगा 11 का पावर 1 ही रहेगा 13 का 1 ही रहेगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 6 = 25 और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा अच्छा छोड़िए 13 × 11 25 × 6 = 150 × 11 = 13 150 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 11 क्या 11 और 5 16 मल्टीप्लाई 13 0 65 5 6 आया हाथ में 63 78 और 6 84 के 4 8 13 का 13 और 8 21 21 450 21 450 आपका राइट आंसर होगा कौन सा है यही देख लीजिए दूसरा तरीका ये हुआ आप इसको भागा देके भी देख सकते तो भागा थोड़ा सा लंबा होगा बट क्लियर हो जाएगा ठीक है लेकिन ये आपका राइट टाइम बचेगा और सही मेथड दिया होगा ठीक है नाम का स्क्रीन पर दिख रहा होगा थर्ड क्वेश्चन क्या है 9 30 27 और 15 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए कितना है 9 है 30 है और क्या है 27 और 15 इसका एलसीएम ऑप्शन क्या हमारा 270 सेकंड ऑप्शन 240 थर्ड ऑप्शन 120 और फोर्थ ऑप्शन क्या है इनमें से कोई नहीं नाम दीजिए ठीक है देखिए तो इन सब का एलसीएम तो इतना छोटा संख्या है इसका क्या करें फैक्टर निकाल के फिर तो वही हो गया अब देखिए अगर हम इस चारों संख्या से भागा तो आसानी से आ सकता है तो क्या 9 से पूरी तरह से कट रहा है हाँ कट रहा है सबसे पहले छोटा से ट्राई करते हैं ठीक है क्योंकि लोवेस्ट कॉमन फैक्टर होता है छोटा हो तो इसमें सबसे पहले ट्राई करते हैं ठीक है तो क्या 9 से जा रहा है 130 नहीं जा रहा है ये खत्म हो गया नहीं होगा 240 का बात करें 9 से जा रहा है 18 6 0 60 नहीं जा रहा ये भी खत्म क्या ये जा रहा है 9 से जा रहा है 30 से जा रहा है हाँ जा रहा है 27 से जा रहा है 15 से 15 1 5 7 और 120 270 क्या इसका ये
राइट आंसर होगा? हाँ होगा। क्या हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर? एक हो गया। कितना? 270। ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं। अब अगर इसको मेथड से बात करें तो 9 का फैक्टर निकालिए, मल्टीपल निकालिए, ठीक है, 30 का गुणनखंड कीजिए, 27 का गुणनखंड कीजिए और 15 को भी गुणनखंड कीजिए, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 3 का पावर 2, इसको लिख सकते हैं 2, 3, 5, इसको क्या लिख सकते हैं 3 का पावर 3, इसको 3 और 5। इन सभी में से संख्या कौन सा है? 2, 3 और 5। 2 का पावर सबसे ज़्यादा क्या है? 1। 3 का पावर सबसे ज़्यादा क्या है? 3। 5 का पावर सबसे ज़्यादा क्या है? 1। कितना हो गया? 2 × 3 = 27 और 5 = 10 = 270। क्या यही राइट आंसर है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि 36 और 84 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। क्या है? 36 है और 84, इसका HCF आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? HCF फाइंड करना है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन 12, सेकेंड ऑप्शन क्या है हमारा 6, 4 और चौथा ऑप्शन क्या है 18। अब देखिए HCF बहुत ईजी, कोई जरूरत नहीं कोई सॉल्यूशन करने का, कोई सॉल्यूशन करने का कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब इनमें से वह सबसे छोटा संख्या जो इन दोनों नंबर को पूरी तरह से डिवाइड कर दे, इन चारों संख्या में से वह संख्या जो इसको क्या करे, पूरी तरह से डिवाइड करे, छोटा संख्या, ठीक है। देखिए तो क्या हमारा 12 होगा? अब ध्यान देते हैं, ये तो डायरेक्ट भी हम मेथड से ला सकते हैं, 36, 84, 2, 72 कितना आ गया 12, 36 3 बार 36 खत्म, कितना आ गया 12। बाय मेथड बात करें तो आंसर हमारा ये हो गया। अगर हम बाय मेथड बात करें, अगर हम मेथड का बात करें तो 36 का फैक्टर लिखेंगे और 84 का फैक्टर लिखेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और क्या होगा 2 18 9 3 3। इसको लिख सकते हैं क्या 2 का पावर 2 3 का पावर 3, सॉरी 2, ठीक है। 84 को क्या लिख सकते हैं 2 42, फिर 30 हो जाएगा, 3 हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो क्या हो गया 2 का पावर 2 और 3 और 7। अब देखिए HCF में हमारा यही डिफरेंस है। HCF में क्या डिफरेंस है? HCF में हमारा जो दोनों में कॉमन होगा वही संख्या को लिखेंगे, तो क्या 2 और 3 दोनों में कॉमन है? हाँ, तो 2 और 3 ही होगा। 7 LCM में लिखते थे लेकिन HCF में क्या करेंगे? नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो क्या दोनों में कॉमन? 2 और 3। अब आता है पावर का पावर, तो पावर में देखेंगे सबसे छोटा पावर जो होगा वही लिखेंगे, तो 2 का पावर सबसे छोटा क्या है? 2 का पावर 2 ही है सबसे छोटा। 2 का पावर 3, सॉरी 3 का बात करें तो 3 का सबसे छोटा पावर क्या है? 1, ये वाला, तो 3 का पावर 1, 4 × 3 इक्वल टू क्या हो गया 12। राइट आंसर हमारा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देखिए, क्या 5वां क्वेश्चन है, क्या आपका 18, 42 और 102 का HCF फाइंड करना है। क्या निकालना है? HCF। ऑप्शन क्या है? फर्स्ट 6, दूसरा 7, तीसरा ऑप्शन क्या है 8 और चौथा ऑप्शन क्या है 14। ठीक है, एक पूछा गया क्वेश्चन है RRB जम्मू में, जम्मू कश्मीर पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, इन सबों का HCF क्या होगा? ठीक है, तो क्या हमारा 700 सबसे पहले 7 नहीं होगा, क्या 7 18 को डिवाइड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। 14 होगा? नहीं होगा। 8 होगा? नहीं होगा। तो क्या हमारा 6 होगा? हाँ होगा। ऑप्शन से आ गया फर्स्ट ऑप्शन। अब मेथड का बात करें, 18 2 3 3 क्या हो गया 2 × 3 का पावर 2, ठीक है, 42 का बात करें तो क्या हो गया 2 21 3 7 और क्या 102, 2 51 आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 3 × 17, ठीक है। तो इन सब में से कॉमन हमारा क्या आ गया 2 3 2 3 2 3 2 × 3, पावर 1 1 है, सबसे छोटा पावर क्या है 2 का पावर 1, 3 का पावर 1 सबसे छोटा, तो क्या हो गया सही हमारा राइट आंसर हो गया, ऑप्शन 1 आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पे दिख रहा होगा 42 63 और 140,
बयालीस तिरसठ और 140 का HCF निकालिए, ठीक है। ऑप्शन लिख लेते हैं 14, सेकेंड ऑप्शन क्या हमारा 9, थर्ड ऑप्शन है 21 और फोर्थ ऑप्शन है 7। देखिए इन सब का HCF का बात किया गया, ठीक है। HCF निकालना, अगर हम लोग क्या बोला गया था कि पहले हम लोग कैसे निकालते थे, 8 और 10 क्या करते थे, 42 से क्या तीसरे को भागा देते थे, एक बार 42 एक 30 42 एक फिनिश हो जाएगा, ये 21 आ गया इसका HCF, 21 से 140 को भागा देंगे तो कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा, 6 126 14 21 एक बार 7 आ गया, ये कंप्लीट हो गया, HCF क्या आ गया 7 आ गया। अगर आपका मल्टीप्लीकेशन ठीक है, ठीक है, अंकों के साथ खेल आ रहा है तो HCF भी निकाल सकते हैं इस मेथड से। अगर फैक्टर का बात करें तो 42 का फैक्टर क्या होगा, 2 3 7, ठीक है, 2 3 7 हो गया। 63 का क्या होगा, 3 कितना आ गया 21, 3 और 7। फिर हमारा 140 का बात करें तो 2 70 फिर 2 35 आ गया, फिर हमारा 5 और 7 आ गया। अब इन तीनों में से कॉमन ढूंढेंगे, इन तीनों में से कॉमन हमारा क्या है, तो 2 है 3 है, सॉरी 2 नहीं है, 2 1 इसमें नहीं है, 2 3 क्या सभी में कॉमन है, नहीं है, 3 भी नहीं है, 3 भी देखिए इसमें नहीं है, 7 सब हो गया ना, 7 कॉमन है, यही हमारा 7 आंसर हो, 7 का पावर सभी में 1 ही है, ठीक है, 7 आंसर हो गया आपका। सुनिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्या है क्वेश्चन, 216 और क्या है 288 और एक और क्या है 720, इसका HCF आपको फाइंड करना है, नंबर बड़ा है ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन क्या है, फर्स्ट 12, सेकेंड ऑप्शन 24, थर्ड ऑप्शन 72 और चौथा ऑप्शन हमारा 84 है। देखिए क्या बोला गया कि HCF हमारा निकालेंगे जब, तो क्या सोचेंगे कि इन चारों संख्या में से कौन सा संख्या इन तीनों संख्या को पूरी तरह से डिवाइड कर देगा, ठीक है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा संख्या इन तीनों संख्या को पूरी तरह से डिवाइड कर दे रहा है, ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए ऑप्शन ये देखेंगे फैक्टर निकालेंगे, तो 216 का जब फैक्टर निकालेंगे तो क्या होगा हमारा, सबसे पहले तो 2 होगा 108, फिर 2 होगा क्या हो जाएगा 54, फिर 2 होगा क्या हो जाएगा 27, फिर 3 होगा, फिर 3 होगा और 3 होगा, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 3 और 3 का पावर 3, फिर हमारा 288 हो गया, 2 144, फिर 2 72 हो गया, 2 36 हो गया, 2 18 हो गया, फिर हमारा 2 9 हो गया, फिर 3 और 3, तो 2 का पावर कितना गया 1 2 3 4 5, 2 का पावर 5 मल्टीप्लाई 3 का पावर 2, ठीक है, लास्ट हमारा 720 हो गया, इसका जब फैक्टर करेंगे तो 2 360, फिर 2 180, फिर 2 90, फिर 2 45, फिर 3, फिर कितना हो गया 15, फिर 3 और 5, ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं इसको, 2 का पावर 4 मल्टीप्लाई 3 का पावर 2 मल्टीप्लाई 5 का पावर 1। अब इन तीनों में से कॉमन नंबर ढूंढेंगे, कॉमन कौन कौन सा है, सबसे पहले तो 2 कॉमन, 3 कॉमन है, हाँ कॉमन है, ठीक है, 3 भी कॉमन है, 5 कॉमन है, नहीं 5 सिर्फ इसी में तो कॉमन नहीं हुआ, ध्यान देंगे। अब बात करें कि पावर क्या HCF में छोटा हो, तो छोटा पावर 2 का सबसे छोटा पावर क्या, 2 का सबसे छोटा पावर 3, 3 का सबसे छोटा पावर क्या 2, तो क्या हो गया 8 मल्टीप्लाई 100 क्या हो गया 48, क्या हुआ 2 का पावर 3 कितना हो गया 8 हो गया और 3 का पावर 2 कितना हो गया 9 हो गया, तो कितना हो गया 72, 72 72 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जैसा कि आपका स्क्रीन पे दिख रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट 3/4 6/7 और 8/9 का LCM निकालना है।
अब इसका एलसीएम निकालना है। ये आपको एलसीएम का फर्स्ट क्लास में बताया गया, इस टाइप का क्वेश्चन कब बताया गया था, फर्स्ट में बताया गया था। ये देखिए क्लर्क ग्रेड में पूछा गया है, 2005 का क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन सब प्रीवियस ईयर में आएगा। अब करीब हम लोग 1000 क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है, सीरीज में, तो सभी क्वेश्चन देखते जाएंगे, सब प्रीवियस ईयर का, सब पूछा गया क्वेश्चन हम लोग करेंगे। देखिए तो क्या एलसीएम बोला गया था, तो इसका फार्मूला हम लोग क्या देखेंगे, अगर एलसीएम निकाला गया, पूछा गया क्या हो एलसीएम, तो निकालते थे एलसीएम किसका निकालेंगे, 3, 6 और 8 का, और एचसीएफ किसका निकालेंगे, 4, 7 और 9 का। तो एलसीएम हमारा 3, 6, 8 का कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अगर छोटा संख्या तो आप खुद से भी निकाल सकते हैं, उसको ये फैक्टर करने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे 24 आया, क्या करेंगे अगर एलसीएम निकालना हो छोटा छोटा संख्या है, तो क्या करेंगे, लास्ट वाला नंबर उठाएंगे, ठीक है, जो सबसे बड़ा, ठीक है, लास्ट में जो सबसे बड़ा, सबसे बड़ा क्या है, 8 है। 8 का मल्टीपल हम लोग देखते जाएंगे जो 3 और 6 से कटता हो, तो 8 16 कटेगा 3 और 6, नहीं से कट नहीं कटेगा, 8 3 24 3 से भी कटेगा 6 से भी कटेगा, तो एलसीएम हमारा 24 हो जाएगा, ठीक है। कट रहा है ना, 3 से भी कट रहा है 8 बार, 6 से भी कट रहा है 4 बार, और 8 से तो कट ही रहा है, तो एलसीएम हमारा 24 हो गया। अब एलसीएम का बात किया जाए तो 4, 7 और 9, ये सब में तीनों में कुछ कॉमन आएगा ही नहीं, तो एलसीएम क्या हो गया, 1 हो गया। तो क्या हो गया हमारा आंसर, 24, या तो 24/1 जो ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन देखिए फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, 24 ही है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखिए 5/7, 7/8 और लास्ट क्या है 8/9, इसका एलसीएम पूछा गया, ठीक है, ये आपका बीपीएससी बिहार एसएससी में पूछा गया है, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो क्या करते थे एलसीएम ऑफ क्या निकालते थे, इसका एलसीएम निकालते थे 5, 7 और 8 का, और एलसीएफ किसका निकालते थे 7, 8 और 9 का। अगर आप लोगों में से किसी को ये समझ में नहीं आ रहा होगा तो मेरा फर्स्ट वीडियो जो एलसीएम एचसीएफ का होगा, इसके एक वीडियो के जस्ट पहले आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो उधर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 5, 7 और 8 का एलसीएम हमारा क्या होगा, 5, 7 और 8 का एलसीएम क्या होगा, तो क्या करेंगे, इन तीनों में से कोई संख्या का फैक्टर नहीं, क्या बोलते हैं, फैक्टर आ रहा है नहीं आ रहा, तो तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा, 7 × 35 × 8 कितना हो जाएगा, 40, 8 × 3 = 24 + 4 = 28, 280 आ गया, और एचसीएफ 7, 8, 9 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो इसका भी आंसर आ गया 280। ऑप्शन देख लेंगे, सेकेंड ऑप्शन क्या है, 7/45, तीसरा ऑप्शन आपका 5/72, चौथा ऑप्शन 280, राइट आंसर हमारा क्या हो गया, आपका चौथा ऑप्शन। ध्यान दीजिए लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अब हमारे पास 4 नंबर दिए हुए, कौन कौन सा, 1/3, 5/6 और 2/9 और 4/27, इसका एलसीएम पूछा गया, तो क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे किसका, 1, 5, 2 और 4 का, इन सबों का, और एलसीएफ निकालेंगे किसका, 3, 6, 9 और 27 का, ठीक है। तो 1, 5, 2, 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। देखिए क्या बोले थे, सबसे बड़ा नंबर, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 5 है, 5, 10 हो जाएगा, इसका मल्टीपल जा करेंगे 5 × 2 = 10, 10 के 4 से कटेगा, नहीं कटेगा, 15 नहीं कटेगा, 20 सभी से कटेगा, 20 हमारा एलसीएम होगा। एलसीएम का बात किया जाए तो 3 से सब कटेगा, 3 हमारा एलसीएम होगा, यही हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या था, 10/27, सेकेंड ऑप्शन 20/3, थर्ड ऑप्शन आपका 20/27 और चौथा ऑप्शन 1/54। देखिए राइट आंसर आपका क्या हो गया, कितना लाए हुए थे,